गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल अंकित गेमिंग। हाउ आर यू ऑल गाइस, होप ऑल आर फाइन। कमेंट बिलो, आप लोग कैसे हो। तो गाइस, आपका भाई लेके आ चुका है टूर्नामेंट की वीडियो, जो कि है नगोरी भाई साहब और मोहम्मद भाई साहब के बीच में। गोलू उनका नाम है, तो टेम्पररी आईडी से खेल रहे हैं। उनका परमानेंट आईडी बैन हो चुका है, क्या सीन है पता नहीं। तो यार, दोनों बंदों का गेम है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं दोनों मिलके। और भाई, वीडियो थोड़ी सी फास्ट है और भाई बहुत लोगों का मैच है, तो यार वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना भाई ज़रा भी, नहीं तो देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो यार, टूर्नामेंट की वीडियो है तो भाई लाजमी है इसको देखना, तो यार स्किप मत करना। बहुत ही फास्ट की है वीडियो मैंने, तो मतलब भाई 30 मिनट की वीडियो है भाई, मतलब 60 मिनट की वीडियो अपन 15 मिनट में बना दिया, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे भाई शॉट्स तो बहुत ही मिस हो रहे हैं दोनों से, और यहाँ पे रेड बॉल प्ले कर रहा है बंदा, तो पास होगी नहीं होगी देखेंगे। गोलू भाई सब प्ले कर रहे हैं रेड बॉल, और यहाँ पे भाई खुद स्क्रैच हो गए बॉल का, तो पता नहीं गई नहीं गई बॉल, तो गई नहीं भाई, बट बंदा चले गया। तो यही होता है, लैला मजनू का गेम है भाई, बहुत ही ओपी लगता है। और यहाँ पे ओपी शॉट भाई मोहम्मद द्वारा, ओपी शॉट, बहुत ही ओपी, और यहाँ पे बहुत ही तगड़े वाली शॉट के साथ। और यहाँ पे देखते हैं भाई जाती है कि नहीं, ब्राउन बॉल मिडिल में डाउन साइड बॉटम साइड पे, और यहाँ पे थोड़ा सा फेल एंगल लेने में भाई थोड़ा सा चूक गए यहाँ पे। अब आ चुका है नगोरी भाई का टर्न, तो यार येल्लो बॉल को खेलेंगे भाई, यहाँ पे मिस हो चुका है भाई से, भाई के शॉट्स बहुत ही मिस हो रहे हैं, पता नहीं, फिर भी यहाँ पे लक काम करता है गाइस, लक और थोड़ा सा स्किल, ठीक है। और यहाँ पे ओपी शॉट भाई मोहम्मद जो बंदा है ना भाई, ओपी खेल रहा है एकदम ओपी भाई, ऐसे बंदे होना चाहिए सेमीफाइनल सेकेंड राउंड में। खैर भाई का किस्मत साथ नहीं दिया और भाई बाहर हो चुके हैं, तो यार बहुत ही ओपी गेम लगा भाई का मेरे को। और भाई वीडियो ज़रूर देख लेना, मोहम्मद भाई बहुत ही अच्छा खेला है आपने। नेक्स्ट टूर्नामेंट में भाई आपको फाइनल में होना चाहिए, पता है, मतलब इतनी ओपी गेम है आपकी, होना चाहिए भाई। ये बंदा देखो भाई क्या कर रहा है, मतलब इतने आसान आसान से शॉट्स मिस हो रहे हैं भाई से, कोई बात नहीं, होता है, सबसे मिस होता है। तो यहाँ पे वेटिंग फॉर योर अपोनेंट आ रहा है, पता नहीं अभी क्या होगा, लीव करके जाएगा पता नहीं। और भाई अगर आप मैच लीव करते हो तो आप हार जाते हो, मैच लीव करते हो तो हार जाते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है बंदा, आई थिंक सो, नहीं आया भाई अभी तक, नहीं आया है पता नहीं भाई, आ चुका है मोहम्मद भाई, आ चुके हैं अपने मोहम्मद भाई, छोड़ के जाने वाले में से नहीं है। तो यार देखते हैं यहाँ पे कौन सा बॉल प्ले करेगा मोहम्मद भाई, और यहाँ पे मेरे को तो लगता है ऑरेंज बॉल के साथ जाना चाहिए ब्लू के टच पे, पता नहीं बंदे का क्या है, बंदा प्ले करेगा कि नहीं वो भी पता नहीं। पॉकेट कॉल नहीं किया है अभी तक मोहम्मद भाई ने, और यहाँ पे छोड़ दिया मोहम्मद भाई ने अपना टर्न। तो अभी आ चुका है हमारे भाई साहब का टर्न, जिनका नाम है नगोरी है उनका नाम, और भाई दूसरी टेम्पररी आईडी से प्ले कर रहे हैं जैसे कि मैंने बोला। और यहाँ पे फिर वेटिंग फॉर योर अपोनेंट आ रहा है, मेरे को लगता है मैच छोड़ के जाएगा बंदा और कुछ नहीं। और यहाँ पे वेटिंग फॉर योर अपोनेंट फिर से आ गया है, क्या भाई छोड़ के जाएगा बंदा, क्या नगोरी भाई साहब को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हो उसको, लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे बंदा अपना नेट देख रहा है कि भाई मेरे सस्ते नशे हैं या आगे वाले के सस्ते नशे, तो भाई बिल्कुल लाजमी है मोहम्मद भाई का सस्ता नशा है, क्योंकि भाई सस्ता सा इंटरनेट भाई धोखा दे रहा है भाई, अभी तो वही चल रहा है फ़िलहाल, वही चल रहा है इंटरनेट का मसला चल रहा है, पेटीएम गूगल पे ये सब बहुत ही इनका मसला चल रहा है। तो यार यहाँ पे गेम हार गए हैं भाई, तो यहाँ पे दे जाते हैं भाई को टर्न, जो कि अपने नगोरी भाई साहब जीत चुके हैं। तो यहाँ पे अब आ चुका है तायब भाई, ठीक है। और तायब भाई आपको वीडियो से ये बोलना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा क्वालिटी प्रॉपर रखे भाई, मैंने इस वीडियो को किस तरह बड़ा किया है भाई मैं जानता हूँ, ठीक है भाई, बहुत ही मेहनत लगी आपकी वीडियो बड़ी करने में मेरे को, तो भाई थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड करें अगली बार, मैं कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे अच्छी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो डालें भाई, क्योंकि भाई इसको बड़ा करने में ना सब सिमट सा गया है, मतलब 144p पे वीडियो दिख रही है मेरे को। और यहाँ पे भाई ने चैलेंज किया है बंदे को, एक मिनट, लगभग एक मिनट हो गया, और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ होता है। और भाई के पास बहुत ही कॉइन्स है भाई, बहुत ही कॉइन्स और कैश भी बहुत ही पड़े हुए हैं तायब भाई के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं भाई क्या लिख रहे हैं, आई थिंक हिंदी है इंग्लिश है वो भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, इतनी गंदी क्वालिटी हो चुकी है तायब भाई की। और यहाँ पे तायब भाई ने बहुत ही छोटी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी भाई, मैंने इसको बड़ा किया इसीलिए वीडियो फट गई है। और यहाँ पे एक बैंक शॉट देखने को मिलेगा जो कि फेल हो चुका है, और भाई अगर दोबारा आता तो पास हो जाता। ओके भाई, यहाँ पे भाई लिख रहे हैं ओके भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक तायब भाई का टर्न अभी नहीं है, अभी बंदे का टर्न है, तो यहाँ पे गलत पॉकेट में पास कर दिया और यहाँ पे तायब भाई को मिलता है एंड। तो यार तायब भाई प्ले कर रहे हैं ऑरेंज बॉल, ठीक है।
तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, ऑरेंज बॉल है कि ब्लू बॉल है। यहाँ पे तायब भाई भाई बहुत ही ओपी खेलता है बंदा, बहुत ही ओपी खेलता है अपना तायब भाई, मेरे को पता है भाई, मैं एक प्ले कर चुका हूँ बहुत ही बार। और यहाँ पे आई थिंक सो हैंड दिया है बंदे को, और यहाँ पे दोनों की चैटिंग चल रही है भाई ओपी नज़ारे से। और यहाँ पे बंदा फंस गया था, और यहाँ पे फिर से आ गया है तायब भाई का टर्न। तो देखते हैं यहाँ पे ब्राउन बॉल खेल रहे हैं अपने तायब भाई, बैक स्पिन यूज़ करके एकदम तगड़े वाली सीन के साथ में, फिर ने फ्रंट राइट स्पिन यूज़ कर लिया भाई ने, और यहाँ पे पास हो गया है ब्राउन बॉल, और भाई खेल रहे हैं बेटा वर्जन में। तो भाई मैं तायब भाई यही बोलना चाहूँगा कि आप बेटा वर्जन में मत खेलो, क्योंकि भाई आपका ये जो है ना अकाउंट बैन हो सकता है भाई, बेटा वर्जन बैन हो सकता है बहुत ही जल्दी। तो यार बेटा वर्जन मत खेलो मेरी तरफ से, अभी आपका मर्ज़ी भाई, और यहाँ पे आपका गेम है आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पे ऑरेंज बॉल खेलने गए, यहाँ पे 5-4 शॉट देखने को मिला अपोनेंट द्वारा। तो अभी आ गया तायब भाई का टर्न, तो तायब भाई खेल रहे हैं पर्पल बॉल, जो कि एकदम एक भी शॉट्स मिस नहीं हो रहे भाई बंदे के, मतलब इतना परफेक्ट खेलता है ना बंदे के साथ, मैं प्ले कर चुका हूँ। और यहाँ पे वेटिंग फॉर अपोनेंट आ गया, फिर आ गया है बंदा, और यहाँ पे ब्लू बॉल खेल रहा है भाई, भाई एक भी शॉट्स मिस होने का मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब प्लेयर एक नंबर है, एक भी शॉट मिस होने का मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ा खेलता है बंदा, मेरे को पता है किस तरीके से खेलता है तायब भाई। और यहाँ पे तायब भाई ने मचा दिया है, और यहाँ पे जस्ट एक दो दो बॉल हैं बंदे के, एक ही बॉल है आई थिंक सो भाई, एक ही बॉल है बंदे का, बाकी का अपोनेंट का है। और देख रहे हो यहाँ पे एक भी बॉल मिस नहीं हो रही है भाई से, एक भी बॉल मिस नहीं हो रही है। और यहाँ पे फिर से गलत चले शॉट देखने को मिला अपोनेंट के द्वारा, और यहाँ पे तायब भाई का टर्न आ चुका है अभी, और तायब भाई प्ले करेंगे ग्रीन बॉल को मिडिल पॉकेट में। अभी एक बॉल मिस हुआ है भाई, ठीक है ये किसी से भी मिस होगा, क्योंकि भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्ले करना वो। तो यहाँ पे ब्लू बॉल खेल रहा है अपोनेंट, और यहाँ पे पास हो चुकी है, तो भाई यहाँ पे अभी प्ले करेंगे पर्पल बॉल अपोनेंट भाई, और उनका नाम भी दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं नाम मेरे को याद भी नहीं है भाई का। तो गिव अवे विनर है आई थिंक सो, गिव अवे विनर है भाई का नाम, तो जो जीमेल पे आता है मैसेज तो वो याद है मेरे को। और यहाँ पे मिस हो चुका है भाई से टर्न, तो अभी आ चुका है तायब भाई का टर्न, और तायब भाई का नाम इसीलिए याद है कि भाई ज़ुबान पे है भाई भाई का नाम। और यहाँ पे ग्रीन बॉल प्ले कर रहा है तायब भाई, और यहाँ पे बहुत ही तगड़े वाली सीन के साथ पास होते हुए, बट यार वाइड बॉल बच गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई किसी तरह का मौका नहीं देना चाहिए तायब भाई को, क्योंकि बहुत ही तगड़ा खेलता है, डबल बैंक शॉट बंदे के लिए कुछ नहीं है भाई, मायने ही नहीं रखता डबल बैंक शॉट, तो भाई बहुत ही ओपी खेलता है बंदा। आप बोलोगे कि भाई आपको बहुत ही पता है, तो भाई मैंने बहुत प्ले किया है बंदे के साथ, स्ट्रीम पे आपने देखा होगा भाई, बहुत ही प्ले किया है मैंने। और यहाँ पे भाई खेल रहा है ऑरेंज बॉल, जो कि पास हो गई, अभी फंस चुका है भाई येलो बॉल, देखते हैं किस कैसे शॉट खेलता है। मैं तो बोलता हूँ कि सेफ जाने के लिए, तो भाई ये भी सेफ तरीका नहीं है, और यहाँ पे कैसा भी बंदा गेम हार ही रहता है भाई के साथ में। तो यहाँ पे डबल बैंक शॉट, जो कि बॉटम राइट पॉकेट में, मैं जैसे कि बोला हूँ यहाँ पे एकदम परफेक्टली एंगल है, आराम से पास हो गई, और यहाँ पे तायब भाई विनर लेके गया। और ये है दूसरा मैच हनीश और नाइस के साथ में, तो भाई एक का नाम है पिकाचू और एक बंदा है पाकिस्तान से, ठीक है। और पाकिस्तान के सभी भाइयों को दिल से स्वागत है भाई स्ट्रीम पे बोल रहा हूँ, दिल से स्वागत है टूर्नामेंट में। और भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं अपने टूर्नामेंट में, बहुत प्लेयर हैं पाकिस्तान से, तो यार कम से कम 10-15 प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ा खेल रहा है बंदा अपोनेंट, जो कि कौन सी क्यू से खेल रहा है ये भी नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे भाई खेल रहे हैं आर्केंजल क्यू से, जो कि शॉट मिस कर चुके हैं आसान सा शॉट, और यहाँ पे बंदा खेल रहा है आयरन क्यू से, ठीक है। बहुत ही फास्ट की है वीडियो मैंने, और यहाँ पे शॉट मिस, तो अभी भाई का टर्न आ चुका है, भाई खेल रहे हैं ब्लू बॉल को और अंदर आर्केंजल से, भाई गलत यूज़ किया भाई ने एम, और यहाँ पे पता नहीं अभी ऑरेंज बॉल जाएगी कि नहीं। और यहाँ पे भाई ने खेल लिया सेफ, और अब आ चुका है भाई का टर्न आर्केंजल से, भाई एकदम ओपी शॉट, एकदम ओपी शॉट भाई। और यहाँ पे ब्राउन बॉल को प्ले किया और खुद स्क्रैच हो गए, और यहाँ पे अब आ चुका है आयरन क्यू से प्ले कर रहे हैं भाई, मिस हो चुका है चांस, और अब आ चुका है भाई का टर्न पिकाचू गेमिंग का। और यहाँ पे हैंड दे दिया है भाई ने, आई थिंक सो हैंड दिया है, नहीं दिया है भाई, हैंड नहीं दिया है बंदे ने। और यहाँ पे अभी ब्लू बॉल प्ले करेगा भाई अपना, सॉरी ग्रीन बॉल, भाई दिख नहीं रहा है ग्रीन बॉल, और ऑरेंज बॉल प्ले करते ही भाई स्क्रैच हो चुके हैं। अभी पिकाचू गेमिंग प्ले करेंगे ऑरेंज बॉल, जो कि पास हो चुकी है तकरीबन सी, और एक सिंगल बैंक शॉट के साथ आर्केंजल की वजह जानी लाजमी है। तो यहाँ पे ऑरेंज बॉल प्ले करेगा बंदा एकदम परफेक्टली डन होते हुए,
अभी डबल बैंक शॉट प्ले करेगा भाई, आसान सा शॉट जो कि मिस हो चुका है। और यहाँ पे अब आ चुका है नाइस भाई का टर्न जो कि पाकिस्तान से है टूर्नामेंट में, और यहाँ पे ब्लैक बॉल उन्होंने मिस कर दिया और यहाँ पे डबल बैंक शॉट क्या जाएगी और यहाँ पास हो चुकी है और यहाँ पे पिकाचु गेमिंग ने गेम जीत चुके हैं। तो यार भाई ये दूसरा मैच है जीशान भाई और कुणाल EDBP YT, ठीक है, कुणाल भाई के साथ में मैच है। और यहाँ पे जीशान शो आपको पता है नेक्स्ट टूर्नामेंट में भाई ने सेकंड प्लेस मार के गया था और अब पता नहीं भाई क्या कुछ करेगा। और यहाँ पे ग्रीन बॉल प्ले कर रहे हैं भाई डबल क्वेश्चन शॉट जो कि फेल हो चुकी है भाई, फेल हो चुकी है जो कि शॉट। और यहाँ पे जीशान भाई ब्राउन बॉल को एकदम तगड़े वाली स्विंग के साथ पॉट करते हुए और यहाँ पे रेड बॉल को प्ले कर रहे हैं, ये थोड़े से मिस होते हुए और यहाँ पे कुणाल भाई को हैंड मिल गया है और कुणाल भाई का हैंड मिल गया है कुणाल भाई को। तो यार कुणाल भाई एक सिंगल बैंक शॉट ब्लू को प्ले किया जो कि भाई बहुत ही अच्छा प्लेयर दिखा है मेरे को टूर्नामेंट में। और यहाँ पे जीशान भाई का लग इतना ख़राब है कि फर्स्ट टाइम पे ही कुणाल भाई के साथ मैच लग गया जिसका लेवल है 300+, ठीक है, 350+ लेवल है भाई का। तो देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे, क्या जीशान भाई गेम छोड़ के जाएगा। भाई सभी का इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है, सभी का इशू चल रहा है, पेटीएम गूगल पे सभी का, तो यूट्यूब पे भी ऐसे ही चल रहा है भाई, काउंटिंग मिस्टेक ये वो सभी चल रहा है 2 दिसंबर से। तो यहाँ पे रेड बॉल ब्लू के टच पे प्ले करने की कोशिश मेरे को तो लगता है नहीं पास होगी और यहाँ पे फेल हो चुका है। और यहाँ पे आ चुका है जीशान भाई का टर्न एक सिंगल बैंक शॉट जो कि फेल हो चुका है क्योंकि वास्ते भाई ने एंगल नहीं ले पाया है और यहाँ पे ये नहीं जाएगी भाई, नहीं जाएगी कुणाल भाई, नहीं पास होगी वो। और यहाँ पे कुणाल भाई स्क्रैच हो चुके हैं, तो भाई मेरे को तो नहीं लगता कि भाई का लेवल देख के भाई ऐसे प्ले करना चाहिए। और अपने जीशान भाई फेवरेट क्यों ले चुके हैं जो कि बिगनर और बहुत ही तगड़े वाला शॉट ग्रीन बॉल को भी येल्लो बॉल को भी, ठीक है। और यहाँ पे प्ले करने की कोशिश बट नाकामयाब रहे जीशान भाई यहाँ पे। और राहुल जो कि कुणाल EDBP YT प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे फेल हो चुका है भाई का शॉट भी और ये भाई बहुत ही गंदा शॉट जाएगा और यहाँ पे ब्लैक स्क्रैच हो चुका है। तो भाई कुणाल भाई जीत चुके हैं गेम और कुणाल भाई इसी से सेकेंड राउंड में आते हुए और यहाँ पे मैच है महीन आलम और NGF के बीच में, ठीक है, महीन आलम और NGF के बीच में और जो कि जिनका नाम है क्वाडेट जोहर, ओके। तो यहाँ पे महीन आलम खेल रहे हैं तगड़े वाली शॉट ऑरेंज बॉल को, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पे ब्लू बॉल प्ले करने की कोशिश बट यार बाजू से अंदर और यहाँ पे NGF भाई का टर्न आ चुका है जो कि सिंपल बैंक शॉट पास होते हुए एकदम परफेक्टली और आर्केंजल क्यू फायर स्ट्रोम क्यू, आर्केंजल वर्सेस फायर स्ट्रोम, देखते हैं भाई कौन सी तगड़ी क्यू है। ऑलवेजली आर्केंजल है बट यहाँ पे देखते हैं गेम प्ले किसका तगड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे महीन आलम खेल रहे हैं ऑरेंज बॉल को जो कि हो चुका है मिस, सॉरी NGF का मिस हो चुका है और महीन आलम भाई का टर्न आ चुका है। यहाँ पे ग्रीन बॉल फेल होते हुए महीन आलम भाई का और यहाँ पे NGF का टर्न आ चुका है ऑरेंज बॉल पे जो कि मिस होता है, आसान आसान शॉट NGF मिस कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको सारे शॉट्स दिखाऊंगा, कुछ कटपिट नहीं है इसमें, सब शॉट्स है भाई, सब शॉट्स है। और यहाँ पे ब्राउन के टच पे प्ले करने की कोशिश हो चुका है फेल और NGF भाई का टर्न आ चुका है, सिंपल बैंक शॉट भी फेल होता हुआ भाई से। और यहाँ पे ब्लू बॉल खेल रहा है भाई पास होता हुआ महीन आलम का और यहाँ पे ग्रीन बॉल को प्ले करने पर्पल बॉल को प्ले करने की कोशिश, दोनों भी नाकामयाब रहे पास करने में। और यहाँ पे ऑरेंज बॉल प्ले करने की कोशिश बट वाइट बॉल स्क्रैच होते हुए और NGF भाई ने ब्लू बॉल बहुत ही आसानी से पर्पल बॉल पास किया है। और यहाँ पे डबल क्वेश्चन शॉट डबल कॉर्नर शॉट ट्राई करने की कोशिश बट फेल, यहाँ पे अब आ चुका है NGF भाई का टर्न, पर्पल बॉल प्ले कर रहे हैं राइट पे टॉप राइट पे पास हो चुका है जो कि टॉप मिडिल पे प्ले कर रहे हैं, ऑरेंज बॉल को पास होगा नहीं पता नहीं। और यहाँ पे फेल हो चुका है, आसान आसान से शॉट्स बंदे फेल कर रहा है, मतलब भाई गेम हारेगा मेरे हिसाब से, तो हार जाएगा भाई क्योंकि भाई इतने आसान आसान शॉट्स फेल हो रहे हैं। यहाँ पे महीन आलम ने स्पिन यूज़ नहीं किया, गलत स्पिन यूज़ करने के कारण बॉल नहीं हुई पास। तो यहाँ पे ऑरेंज बॉल प्ले कर रहे हैं आर्केंजल क्यू से, तो देखते हैं पास होती है कि नहीं, यहाँ पे पास हो चुका है। और यहाँ पे रेड बॉल है और यहाँ पे एकदम 5-8 शॉट देखने को मिला है आपको और यहाँ पे महीन आलम भाई ने एकदम तगड़े वाली सीन दे के हटा दिया है वहाँ से। और यहाँ पे भाई पहला ही मिस हो गया डबल क्वेश्चन शॉट जो कि आसान सा है और यहाँ पे NGF स्क्रैच होता हुआ और यहाँ पे फ्रंट स्पिन यूज़ करके भाई बहुत ही आसान था शॉट था बट यार भाई ने पोजीशन ठीक से ली नहीं जो कि हैंड मिलने पे भी। और यहाँ पे महीन आलम भाई को टर्न मिल चुका है, ठीक है, टर्न मिल चुका है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, मेरे को तो नहीं लगता पॉसिबल है ये शॉट। और यहाँ पे गलत लगाने की कोशिश और यहाँ पे भाई अब तो गेम NGF के हाथ में दिख रही है मेरे को, यहाँ पे सिंपल सा शॉट मिस, अब महीन आलम भाई मार के ही जाएगा मेरे को पता है। और यहाँ पे फेल फिर से और भाई फिर से NGF भाई का टर्न आते हुए आप लोग देख सकते हो भाई कितनी दफ़ा ये लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कितनी दफ़ा।
और यहाँ पे पता नहीं महीन आलम जीतेगा या एनजीएफ जीतेगा, मेरे को पता नहीं भाई, क्योंकि भाई दोनों का कुछ ऐसा गेम प्ले चल रहा है भाई, पता नहीं ब्लैक बॉल जा ही नहीं रहे, दोनों से भी नहीं जा रही है। और यहाँ पे एनजीएफ भाई का टर्न, एक लंबा सफ़र ट्राई करेंगे, डबल बैंक शॉट जो कि थोड़े से बच चुका है, फेल हो चुका है, और यहाँ पे एनजीएफ को फिर से एक लाइफ मिला है कि ब्लैक बॉल को इजी पोजीशन पे पास कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से फेल हो चुका है। और भाई ब्लैक बॉल एकदम टॉप लेफ्ट में डाल दिया है, महीन आलम विनर है, महीन जी गेम के विनर हैं। और आज की वीडियो बस इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।